सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का केनाइन वर्ल्ड हिंदी में। और इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं डॉबरमैन, जर्मन शेफर्ड और रॉटविलर को कि कौन है इन सब में से बेस्ट। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन, डॉबरमैन, जर्मन शेफर्ड और रॉटविलर तीनों का ही ओरिजिन जर्मनी से है। डॉबरमैन को एज अ गार्ड डॉग ब्रीड किया गया था ताकि ये अपने ओनर्स को प्रोटेक्ट कर सके। जर्मन शेफर्ड को एज अ हार्डिंग डॉग ब्रीड किया गया था ताकि ये भेड़ और बकरियों को एक साथ एक झुंड में रख सके। रॉटविलर को भी एज अ हार्डिंग डॉग ब्रीड किया गया था, लेकिन बाद में इन्हें सामान से लदी हुई कार्ट्स को पुल करने के लिए यूज किया जाता था क्योंकि ये काफी मस्कुलर और स्ट्रांग होते थे। विद फैमिली एंड किड्स, तीनों जर्मन शेफर्ड, डॉबरमैन और रॉटविलर फैमिलीज के साथ एकदम सेफ हैं। अगर आप एकदम एक्सपीरियंस्ड ओनर हैं, इनको प्रॉपरली सोशलाइज करवा सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे रहेंगे। तीनों ही फैमिलीज के साथ और किड्स के साथ एकदम ही अच्छे से बिहेव करेंगे और उनके प्रोटेक्टर भी बनेंगे। लेकिन अगर इन तीनों में से किसी एक डॉग को चुनना हो कि मेरे को बच्चों के साथ किसको रखना है, तो मेरे ओपिनियन में जर्मन शेफर्ड थोड़े ज़्यादा सेफ हैं। फॉर फर्स्ट टाइम डॉग ओनर, देखिए गाइस, जर्मन शेफर्ड, डॉबरमैन और रॉटविलर तीनों में से कोई भी फर्स्ट टाइम डॉग ओनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हैं तो इन तीनों में से आप किसी को भी मत लीजिए। लेकिन अगर आप फिर भी इन तीनों में से किसी एक को एज अ फर्स्ट टाइम डॉग ओनर लेना चाहते हैं तो आप जर्मन शेफर्ड की तरफ जाएं। हाइट एंड वेट, डॉबरमैन का एवरेज वेट फीमेल्स में होता है 32 से लेके 35 केजी और मेल्स में होता है 40 से लेके 45 केजी। और डॉबरमैन की हाइट मेल्स में होती है 26 से लेके 28 इंचेस तक और फीमेल्स में होती है 24 से लेके 26 इंचेस तक। जर्मन शेफर्ड का वेट फीमेल्स में होता है 22 से लेके 32 केजी तक और मेल्स में होता है 30 से लेके 40 केजी तक। जर्मन शेफर्ड का हाइट होता है मेल्स में 24 से लेके 26 इंचेस और फीमेल्स में होता है 22 से लेके 24 इंचेस। और रॉटविलर का वेट होता है फीमेल्स में 35 से लेके 48 केजीज और मेल्स में 50 से लेके 60 केजीज। और रॉटविलर की हाइट होती है मेल्स में 24 से लेके 27 इंचेस और फीमेल्स में हाइट होती है 22 से लेके 25 इंचेस। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, डॉबरमैन का एवरेज लाइफ 10 से लेके 13 साल का होता है, वही जर्मन शेफर्ड का एवरेज लाइफ 9 से लेके 13 साल का होता है और रॉटविलर का एवरेज लाइफ 8 से लेके 10 साल का होता है। इन तीनों में जर्मन शेफर्ड सबसे ज्यादा हेल्दी होता है। प्राइस, अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का डॉबरमैन लेते हैं तो डॉबरमैन की स्टार्टिंग प्राइस इंडिया में अराउंड 20,000 होती है। वहीं अगर आप अच्छी क्वालिटी का जर्मन शेफर्ड का पपी लेते हैं तो आपको अराउंड 15,000 से 20,000 में एक अच्छी क्वालिटी का जर्मन शेफर्ड इंडिया में मिल जाएगा। वहीं अगर आप रॉटविलर का एक पपी लेते हैं तो आपको इंडिया में अराउंड 20,000 से लेके 25,000 में एक अच्छी क्वालिटी का रॉटविलर का पपी मिल जाएगा। एडेप्टेबिलिटी एंड लिविंग, डॉबरमैन एंड रॉटविलर दोनों को ही ठंडा वेदर बिल्कुल पसंद नहीं होता और इन्हें जल्दी से ठंड भी लग सकती है क्योंकि इनका शॉर्ट कोट होता है। वहीं जर्मन शेफर्ड दोनों गर्म और ठंडे वेदर में इजीली रह सकते हैं क्योंकि इनके पास एक डबल कोट होता है। अगर आप डॉबरमैन या जर्मन शेफर्ड लेते हैं तो आपको इनको काफी सारी एक्सरसाइज करवानी होगी। इन्हें आप कम से कम लार्ज साइज के अपार्टमेंट में रखें। अगर आप इन्हें मीडियम या स्मॉल साइज के अपार्टमेंट में रखेंगे तो इन्हें काफी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि ये हाई एनर्जी डॉग ब्रीड होते हैं। और दूसरी तरफ रॉटविलर को अगर आप मीडियम साइज के अपार्टमेंट में भी रखते हैं और दिन में एक वॉक करा देते हैं तो रॉटविलर बिल्कुल ही सही रहेगा, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ट्रेनिंग एंड सोशलाइजेशन, डॉबरमैन, जर्मन शेफर्ड और रॉटविलर तीनों को ही ट्रेन करना काफी ज्यादा इजी होता है क्योंकि तीनों ही काफी ज्यादा ही इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड होती है। हाँ, सोशलाइज करवाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन इन तीनों में सबसे इजीली आप सोशलाइज जर्मन शेफर्ड को करवा सकते हो क्योंकि जर्मन शेफर्ड हाँ एग्रेसिव होते हैं लेकिन फिर भी डॉबरमैन और रॉटविलर से थोड़े कम एग्रेसिव होते हैं। इंटेलिजेंस, वर्ल्ड मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड में डॉबरमैन नंबर 5th पे है, जर्मन शेफर्ड नंबर 3rd पे है और रॉटविलर नंबर 9th पे है। तो ये तीनों ही डॉग ब्रीड्स काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होती है और आप इन्हें इजीली ट्रेन कर सकते हैं।
वॉच डॉग एंड गार्ड डॉग। ये तीनों ही डॉग ब्रीड काफी अच्छे वॉच डॉग एंड गार्ड डॉग होते हैं। ये अपनी फैमिली के लिए काफी ज्यादा लॉयल होते हैं और कोई भी खतरा आने पर ये डॉग उससे लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनसे अच्छे गार्ड डॉग आपको शायद ही कहीं मिले। कोट कलर्स। रॉटविलर सिर्फ एक ही कोट कलर में आते हैं, वो है ब्लैक एंड टैन। वही जर्मन शेफर्ड सेबल ब्लैक, ब्लैक एंड सिल्वर, ब्लैक एंड टैन, ब्लैक एंड रेड और ग्रे कलर में आते हैं। और डॉबरमैन भी सिर्फ ज्यादातर इंडिया में ब्लैक एंड टैन कलर में ही आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके अलावा भी कुछ रेयर कलर्स होते हैं डॉबरमैन में, जैसे व्हाइटिश, ब्लू एंड टैन और रेड एंड टैन। तो गाइज यही थी हमारी डॉबरमैन वर्सेज जर्मन शेफर्ड वर्सेज रॉटविलर की वीडियो। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। यूजर नेम है कैनाइन वर्ल्ड हिंदी और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो फॉलो जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।